नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरूर। आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं। खबर वही है जिसका बेसब्री से हरियाणा प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों चलिए विस्तार से बताते हैं। जिस तरीके से सरगर्मियां बड़ी तेजी पर चल रही थी कि हरियाणा पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और फिर से एक बार पंचायत चुनाव में जो लोग चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे थे, चाहे जिला परिषद की बात करें, चाहे सरपंच की बात करें, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर की बात करें, तो लगातार एक बार फिर से उनके हौसले पस्त पड़ते नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान किया है कि 22 अगस्त से पहले किसी प्रकार की कोई चुनाव की तारीख नहीं आएगी और 22 अगस्त के बाद में ही चुनाव पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 22 अगस्त को कोर्ट के अंदर चुनाव से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा होनी है, इसलिए चुनाव अभी नहीं हो सकता, यानी 22 अगस्त से पहले चुनाव होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जिस तरीके से लगातार 8 अगस्त तक की बात कही जा रही थी कि लगातार जो ये चर्चाएं चल रही थी कि अगस्त में तारीख डिक्लेयर होगी या फिर चुनाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने पूरे तरीके से साफ कर दिया है कि आज भाजपा की एक कार्यकारिणी मीटिंग के दौरान यह साफ शब्दों में कहा है कि 22 अगस्त से पहले कोई किसी प्रकार का हरियाणा प्रदेश में चुनाव होने की संभावना नहीं है। संभावना जो जागेगी तो वो फिर 22 अगस्त के बाद में जब कोर्ट के अंदर कुछ विषयों पर सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे। तो दोस्तों मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों का शिकार ना हो, ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन घंटी ताकि मेवात आज तक की सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर हूँ ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।